पांच महीने पहले बंबई में बहुत जबरदस्त बाढ़ आई, बाढ़ बाढ़ मतलब अंग्रेजी में फ्लड, तो पानी खूब चारों तरफ भर गया, आपका तो पता ही, आप लोग भी फंसे होंगे बीच में, तो बाढ़ आ गई। तो जब ऐसे बाढ़ या कुछ आता है तो टेलीविजन वाले तैयार बैठे रहते हैं समाचार बनाने के लिए, तो टेलीविजन वाले पहुंच जाते हैं, जो लोग पानी में डूबे उनसे बातचीत करते हैं, और जब पूछते हैं तो कभी कभी टेलीविजन वाले तो कैमरे की आवाज भी आती रहती है, हेलो आप ये बताइए जो बाढ़ आई है आपको कुछ कहना है, हाँ बोलिए बोलिए, हाँ बताइए, हाँ बोलिए, हाँ बताइए, हाँ बोलिए, हाँ बताइए। अब एक महिला बोली, ऐसा है भैया हमारा जितना सामान खो गया रहा तो मिल गया है, बस हमारे मर्द नहीं मिल रहे हैं। अच्छा अच्छा, दिखने में कैसे तो बताइए हम ढूंढेंगे, दिखने में कैसे, तो बोलिए, हाँ बोलिए, दिखने में तो रहा एकदम हीरो, लंबे चौड़े लंबाई 6 फुट 2 इंच चौड़ी छाती घुंघराले बाल, दूर से देखे तो एकदम अक्षय कुमार। उसकी सहेली बोली, ए भौजी झूठ क्यों बोलती है, तेरा मर्द तो बुटका टकला बुढ़ा है ना। चुप, अब ये लोग ढूंढेंगे तो अच्छा ढूंढेंगे। ओके बात, ओके बात, टेलीविजन वालों ने एक ऐसे आदमी से पूछ लिया जो अब तक 10 पॉलिटिकल पार्टियों से निकाला गया था, उसको पूछा, एकदम भरा बैठा था वो, हेलो हाँ आप बताइए जो बाढ़ आई है एनी कंप्लेंट एनी सजेशन, हाँ बताइए, हाँ बोलिए, हाँ बताइए। देखिए मैं इस देश का नागरिक हूं और हमारे वोट देने सरकार बनती है, और मैं सरकार से सवाल कर सकता हूं। देखिए जहां तक प्रश्न है, इस प्रकार की बाढ़ जो आई है मैं इसका उदाहरण देता हूं, आज से 5 वर्ष पूर्व बिहार के अंदर इस प्रकार की बाढ़ आई थी, केंद्र सरकार जो फंड दिया था 10,000 का फंड जो केंद्र सरकार दिया उस पर लालू प्रसाद यादव उसे मुख्यमंत्री थे, लेकिन मैं विलासो देश में सवाल करना चाहता हूं, देखिए शिंदे साहब जो कि राज्यपाल थे लेकिन प्रश्न खड़ा होता है, मैं छगन भुजबल की बात से सहमत नहीं हूं, लेकिन जहां तक सवाल खड़ा होता है नारायण राणा ने बातें कही थी लेकिन प्रश्न खड़ा होता है, सारा पत्र के लोग वहां पर मौजूद थे, नवभारत टाइम्स इंडियन एक्सप्रेस को लोग मौजूद थे, इंडियन एक्सप्रेस गोयन के हिसाब से सवाल करना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह से, इस प्रकार की बाढ़ आई थी उसमें कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे लेकिन सवाल खड़ा होता है राजनाथ सिंह, आज राजनाथ सिंह बात को मानते हैं, उन्होंने सुरक्षा की गारंटी ली थी, प्रश्न खड़ा होता है अगर रामविलास पासवान इस बात को मानते हैं, शरद यादव ने बात कही थी लेकिन प्रश्न खड़ा होता है, हमारे देश जाग चुका है, हम जनता सवाल करना चाहते हैं, मैं केंद्र सरकार से सवाल करना चाहता हूं, इस प्रकार की बाढ़ आई है लेकिन प्रश्न खड़ा होता है, मैं जानना चाहता हूं, मैं प्रश्न करना चाहता हूं। एक सेकेंड, आपको कहना क्या है, कुछ नहीं, मैं ऐसे रोज बोलता हूं। उसके बाद टीवी वालों ने एक बहुत ही पॉश महिला से पूछ लिया, बहुत वेस्टर्न, ये वो लोग जो रहते हैं इंडिया में तारीफ करते हैं अमेरिका की, इनको मैं बोलता हूं बर्गर फैमिली, अगर 6 लोग हैं एक फैमिली में तो 5 तो रहते हैं डाइटिंग में, एक के लिए बर्गर आता है, बर्गर खाते कम है बर्गर की तारीफ ज्यादा करते हैं, एक बर्गर लाएंगे ओवन में डाल दिया और पूरी फैमिली घेर के खड़ी होगी, व्हाट ए नाइस बर्गर, जय डैडी जेसी बर्गर, व्हाट ए नाइस बर्गर, यू शुड परचेस फ्रॉम केम्स कॉर्नर, नाइस बर्गर वाला, मम्मी मेरी सॉस जस्ट चिली सॉस, मम्मी जेसी बर्गर, बर्गर भी तवे में ऐसे अकड़ जाता है, वो बोलता है मेरी इतनी रिस्पेक्ट है इस फैमिली में, मैं खामखा माहिम की दरगाह में पड़ा हुआ था। इनको पूछा टीवी वालों ने, हेलो मैडम आप बताइए जो बॉम्बे में बाढ़ आई है आपको कुछ कहना है, हाँ बोलिए, हाँ बताइए, हाँ बोलिए, ओ माय गॉड हॉरिबल दिस नॉट बी इस कदर रेन, आई डोंट लाइक रेन, करनी इतनी सी कर लो, इतनी बॉम्बे विकम विलेज दिस नॉट बी, लाइट चली गई पावर चला गया बॉम्बे विकम विलेज, आई एम स्टेइंग फर्स्ट फ्लोर नो लिफ्ट, मुझे तो जैसे ही पता चलो माय गॉड मैं बिल्डिंग के नीचे उतरी मेरा तो पूरा मेकअप ही धुल गया, मेरी गोद का बच्चा विदाउट मेकअप देख के डर गया, मुझे कहने लगा चुड़ैल आंटी मेरी मम्मी का है, ओ माय गॉड इट्स नॉट वी, एंड रोड्स आर सो बैड, आई विल टॉक मिस्टर जोसेफ, रोड इतना रोड पे चला इतनी मुश्किलती हो गया है, सम इज लिटिलली खड्डी सम इज बिग बिग खड्डास, और मुझे तो जैसे ही पता चला कि बारिश डेंजर पोजीशन लेने वाली है मैं तो अपनी फ्रेंड के घर शिफ्ट हो गई, जाते जाते मैंने सर्वेंट से बोला बंगले का ध्यान रखना गार्डन में पानी डालते रहना,
मैं अपनी फ्रेंड के घर गई थी कि सर्वेंट के फोन आने शुरू हो गए, मैडम पानी बहुत बढ़ गया है, मैडम पानी खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है, न्यूज में आया पानी खतरे के निशान को पार कर गया है, हम लोग क्या करें मैडम पानी खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। हमने फिक्र मत करो, साहब ने विलास और देशमुख जी से बात कर लिए, वो खतरे के निशान को और ऊपर उठवा रहे हैं। गजोदर जी, दैट इज रियली वेरी फनी।